सुमंगल प्रभात बच्चों, मौन विषय के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत का चैप्टर 5 आपका है वंदे भारत मम देशम। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको अपने प्यारे से देश भारत के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। भारत बहुत पुराना देश है। प्राचीन काल में भारत ऋषि मुनियों के रिसर्च का, प्रयोगशाला का, प्रयोग का केंद्र हुआ करता था। भारत ही वह देश है जहाँ से सर्वप्रथम ज्ञान का उदय हुआ। ऋषि मुनियों ने ज्ञान का प्रकाश संसार के सुदूर प्रांतों तक फैलाया। भारत के कई नाम हैं जैसे आर्यावर्त और जम्बोद्वीप। जम्बो मतलब होता है हाथी और द्वीप मतलब टापू। टापू मतलब वह जमीन का वह भूभाग जिसके चारों तरफ जल हो और बीच में कुछ मिट्टी जमीन हो, उसे टापू कहते हैं। तो जम्बोद्वीप इसे इसलिए कहा जाता था क्यों, जम्बो मतलब हाथी, मतलब ये हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और आर्यावर्त इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर ये आर्यों पवित्र लोगों विद्वान लोगों की भूमि हुआ करती थी। और बाद में अंग्रेजों ने या जिसने भी भारत में पहला कदम रखा, शायद कोई कहता कि वास्को डी गामा, वह जिसने भारत की खोज क्या करेगा, भारत क्या कहीं ये छुपा हुआ था, भारत तो पहले से मौजूद था, उसने भारत को पहली बार देखा तो उसने इसका नाम इंडिया रख दिया। लेकिन इंडिया शब्द का बहुत ही खराब अर्थ है। अगर आप डिक्शनरी निकालोगे तो डिक्शनरी में आपको इंडिया का अर्थ मिलेगा वह स्थान जहाँ पर गंवार लोग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि भारत के विभिन्न नाम हैं तो इन नामों में जो है सिर्फ एक नाम को भारत नाम से जाना जाए हमारे देश को। तब ये सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित कर दिया है बहुत लंबी बहसें चलने के बाद कि अब से हमारे देश का नाम सिर्फ भारत होगा। अगर आप इंग्लिश में भी ऐसे लिखोगे तो आप इंडिया नहीं लिख सकते, अब आपको भारत ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सब पर लागू हो गया है। तो ये हमारी पुण्य भूमि है, वीरों की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। यहाँ पर यहाँ पर सुश्रुत, चरक, पतंजलि जैसे बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री हुए हैं, वराह मिहिर और ये आर्यभट्ट और बहुत से महापुरुषों ने, गणितज्ञों ने जन्म लिया है। और ऋषि मुनियों की तो बात ही करें, यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से परंपरागत रूप से चले आने वाले वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषदों की रचना हुई है। तो इस प्रकार हमारा देश बहुत प्राचीन है और अपनी संस्कृति और समृद्धि संपन्नता को समेटे हुए हमारा देश वो देश है जहाँ पर हमें दया धर्म की बातें सिखाई जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारे वेदों का मूल मंत्र है। इसका अर्थ ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस संसार में सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, संसार के सभी लोग निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस संसार के सभी लोग जीवन में अच्छाइयों को देखें। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस संसार में कोई मनुष्य, इवन जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, दुख का भागी ना बने। ये हमारे वेदों का मूल मंत्र है। बाकी अन्य देशों में आप देखोगे, अन्य रिलीजन में, तो वो लोग सिर्फ अपने जाति अपने धर्म के लिए प्रार्थना करते हैं, मानवता के कल्याण की भावना से। हमारे देश भारत में तो इसमें और भी बहुत सारे रूप हैं, ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए आपका होमवर्क है रीड चैप्टर 5 मम वंदे भारतम मम।